बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा था और थोड़े बहुत ट्रैफिक हिल भी रहा था, तो कम से कम 6-7 मिनट के बाद में हिलता था। उसी के अंदर फर्स्ट सेकंड करते करते मेरा वो टेम्परेचर का स्विच ऊपर चढ़ गया। तो मुझे लग रहा है कि इसका फॉल्ट क्या हो सकता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। कैसे है कि देखो, ये रहा हमारे गाड़ी का रेडिएटर। ओके, 1 लीटर का कूलेंट का बॉक्स लिया, ये डब्बा लिया, कूलेंट टॉप अप किया और थोड़ा बहुत पानी मिक्स करवा के बाद में वापस से लेवलिंग करवा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा वीडियो बहुत ही दुखद भरा होने वाला है, क्योंकि गाड़ी के साथ में एक इशू आ रहा है जो मुझे बहुत इरिटेटिंग करता है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ में हीटिंग की इशू आ रही है मेरे साथ। लेकिन हीटिंग ऐसा भी नहीं कि ओवर हीट हो जा रही है गाड़ी पूरी तरीके से, ऐसा नहीं। जो मिनिमम टेम्परेचर गेज रहता है ना, उससे थोड़ा बहुत आधा एक इंच ऊपर वो जो सुई है वो चली जाती है और गाड़ी मुझे रोक कर वापस से उसको ठंडी करनी पड़ती है और वापस स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसके बारे में ही आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, वो सब आज हम लोग डायग्नोस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ फॉल्ट निकलता है या फिर नहीं। लेट्स सी कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस वजह से मुझे, मैं आप लोगों को हीटिंग की इशू बता रहा हूँ, इसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गाड़ी मेरी पूरी 40,413 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने CNG डलवाई थी आज से कभी कभी, इस किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 7-7.5-8 हज़ार किलोमीटर पहले मैंने CNG डलवाई थी। ये जो टेम्परेचर की सुई आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मिनिमम का है। ओके, तो मिनिमम पर ठीक रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रैफिक के अंदर ही मेरी ये मिनिमम से आधा एक इंच ऊपर यहाँ पर बीच में या फिर थोड़ा बहुत ऊपर सुई चली जाती है और बाद में मुझे डर लगता है कि नहीं भाई, वापस से वो एज तक ना पहुँच जाए। तो इसलिए आज मैं गाड़ी दिखाने के लिए लेके आया हूँ और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका फॉल्ट क्या हो सकता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन अभी क्या हुआ था, कल जब मैं एक यूनिवर्सिटी के ट्रैफिक में था, तो कल कैसे कि पुणे के अंदर पालकी आती है तो रोड वीड सारे जाम हो जाते हैं, सब ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो उसके वजह से कैसे ट्रैफिक बहुत लंबा घना ट्रैफिक था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा था और थोड़े बहुत ट्रैफिक हिल भी रहा था तो कम से कम 6-7 मिनट के बाद में हिलता था। उसी के अंदर फर्स्ट सेकंड करते करते मेरा वो टेम्परेचर का स्विच ऊपर चढ़ गया और साथ में कैसे है, मैंने गाड़ी बाजू में ली, बाजू में लेने के बाद में क्या हुआ, एक 10-15 मिनट रुका ठंडी होने तक, लेकिन मैंने जब रेडिएटर कैप खोली तो सारा प्रेशर बाहर आ गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे काचों के ऊपर, यहाँ तक तो यहाँ से प्रेशर सीधा काच तक आ गया था, यहाँ पे सब जगह पे वो उड़ चुका था। वो मेरी गलती थी, मैंने कैप नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन बाय चांस मैंने कैप खोल दी तो थोड़ा बहुत कूलेंट चला गया। तो कूलेंट कितना, आधा आधा लीटर चला गया। 1 लीटर का कूलेंट का बॉक्स लिया, ये डब्बा लिया, कूलेंट टॉप अप किया और थोड़ा बहुत पानी मिक्स करवा के बाद में वापस से लेवलिंग करवा दी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ गाड़ी को कि चेक करा जाए कि क्या कौन सा पाइप हार्ड हो चुका है या फिर गल गया है या फिर कोई कार से लीक कर रहा है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में ही आज हम लोग देखेंगे। मैं गाड़ी के नीचे हूँ तो आप लोगों को देखने का होगा, तो आप देख सकते हैं, मैं अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी के नीचे आ गया हूँ। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ नीचे से हमने जो डायग्नोस किया है उसमें एक चीज़ हमें पता चली है, ये रहा हमारे गाड़ी का रेडिएटर। ओके, यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा रहेगा, लेकिन एक इशू जो आया है अभी नीचे वाला बॉटम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब मैं हाथ लगाता हूँ ये पूरी तरीके से ठंडा है और मैं ऊपर हाथ लगाता हूँ, ऊपर वाला जो बॉटम है आप लोगों को सही से दिख जाए, ठीक है, ये जो ऊपर वाला बॉटम है ना यहाँ का, ये पूरी तरीके से हीट हो चुका है। मतलब अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, योगेश भाई भी वही बोल रहा था कि रेडिएटर निकाल लेते, रेडिएटर अगर चोक रहेगा तो ये इशू आ सकता है। वो ट्रैफिक के अंदर ही आया होगा, क्योंकि जब गाड़ी हमारी टॉप ओ टॉप चलती है तो उस टाइम पे इतना लोड गाड़ी के ऊपर नहीं रहता, लेकिन जब ट्रैफिक के अंदर हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लच हाफ क्लच वगैरह चलाते हैं गाड़ी, तो उस टाइम पे ये दिक्कत आ सकती है। और साथ ही में कैसे कि मेरे को ये फॉल्ट मिला है तो इसका काम मुझे करवाना ही करवाना है, तो साथ ही में कैसे कि ब्रेक की सर्विस भी करवा लूँगा
और मतलब ब्रेक ए टू जेड पूरी सर्विस, इंजन और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये ब्रेक की सर्विस, ये रेडिएटर का क्लीनिंग, रेडिएटर में से अपना कूलेंट रिप्लेस करवा लूँगा। तो उसके बाद अगर कोई इश्यू आता रहेगा तो हम लोग वो फॉल्ट कोड पकड़ लेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जो पूरी पाइपलाइन अंदर की तरफ गई है हीटरिंग कॉइल की तरफ, ये भी पाइपलाइन लीकेज नहीं है। साथ ही में अगर यहाँ की देखें तो ये वाले भी पाइपलाइन लीकेज नहीं है, ठीक है। और दूसरी पाइपलाइन मैं आप लोगों को सही से दिखाऊँ, अगर दिख जाए तो ये वाली देख सकते हैं नीचे वाली, ये एल्बो की, ये वाली भी लीकेज नहीं है। साथ में अगर आप ऊपर वाली देख सकते हैं जहाँ से ऊपर की तरफ, वो ऊपर से ही दिखेगा आपको, यहाँ से नहीं दिखेगा, वो वाली भी पाइपलाइन ओके है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो मुझे रीज़न तो ये रेडिएटर का ही लग रहा है। तो साथ ही में अगर मैं नीचे की तरफ से और आप लोगों को गाड़ी दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से सब बढ़िया तरीके का है, लेकिन शुरुआत आती है इससे, जो हमारा बैटरी का कवर है वो एक ख़राब हो चुका है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे को लगा था इसका ऑयल सील गया रहेगा जो गियर बॉक्स का अंदर का रहता है उसका, लेकिन उसका नहीं है, ये लीकेज कर रहा है ये वाली टिपनी से। आप देख सकते हैं ये वाली, ये जो नॉर्मल टोपन है ना, यहाँ से लीकेज कर रहा है ये, तो ये पूरी तरीके से लीकेज होते होते ये यहाँ तक आ रहा है। तो यही एक रीज़न है कि मुझे ये काम सॉल्ट आउट करवाना है, ये एक हो जाना है। और अभी जो फॉल्ट कोड मुझे आ रहा है बार बार, हर टाइम में इतना परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो ये मैं करवा के ले लूँगा। ओके गाइस, सो फाइनली हमें एक फॉल्ट कोड नज़र में आ चुका है, जिसके कारण गाड़ी अभी हीटिंग का वैसे इशू कर रही है। अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि मैंने बताया कि रेडिएटर का एक इशू है इसके अंदर, तो वो जब फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन कि कैसे कि अभी सर्विस भी नज़दीक आ चुकी है, तो सर्विस पहले करवाऊँगा, उसके बाद ये भी इसके साथ करवा लूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए, और फाइनली हमारे गाड़ी का ये फॉल्ट इस गाड़ी के अंदर मिल चुका है। अगर आपके भी गाड़ी में सेम ऐसे ही तरीके की इशू आ सकता है, तो आप मैं जैसे कहता हूँ उस तरीके से आप फॉलोअप ले लीजिए, आपकी गाड़ी हीटअप कभी नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।